पटना पहुंची कोविशील्ड की 3.5 लाख डोज, कल से बिहार में 18 प्लस उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। नीतीश सरकार ने 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया। लालू की वर्चुअल मीटिंग पर हलचल तेज, एनडीए ने लालू के कार्यक्रम पर उठाए सवाल, आरजेडी ने कहा भयक्रांत हो गए हैं बीजेपी जेडीयू वाले। एम्बुलेंस मामले पर बीजेपी सांसद रूडी की बड़ी मुश्किलें, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने रूडी पर एफआईआर के लिए डीजीपी को लिखा पत्र, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने रूडी के गांव में खड़ी देखी थी 50 एम्बुलेंस। देशभर में कोरोना का कहर लगातार जारी, ईएसआईसी बिहटा में आज से 100 बेड का कोविड अस्पताल हुआ शुरू, सभी बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध। ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है? सवाल न रूढ़ी जी का है न पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम देके जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बिहार में कोरोना के चलते स्थिति बद से बदतर हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, कहीं बेड की कमी, कहीं वेंटिलेटर की तो कहीं एम्बुलेंस की। राज्य सरकार ने भले ही निजी एम्बुलेंस के रेट तय कर दिए हो, लेकिन अभी भी एम्बुलेंस चालक मनमाने पैसे वसूलने से बाज नहीं आ रहे हैं। खैर, बात रही एम्बुलेंस कमी की तो ये तस्वीर देखिए, यहाँ एम्बुलेंस धूल फांक रही है और ये संसदीय क्षेत्र है बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी का। आपको लग सकता है शायद सांसद जी को मामले की जानकारी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, सांसद जी को सब पता है। वो अपने एम्बुलेंस का इस्तेमाल बालू ढोने के लिए कर रहे हैं, ये है सुशासन बाबू के दावों की सच्चाई। माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गांव ने छोड़ दिया वहां पप्पू। 1 महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की, मृत और आत्मुग्ध सरकार लोकतंत्र को मार देने वाले, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीद से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? और अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पप्पू यादव अध्यक्ष है जाप के, जो कि जन अधिकार पार्टी से हैं, और राम सागर जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत वीआईपी न्यूज पर। पप्पू यादव जी, सबसे पहला सवाल आप पर तो अब एफआईआर भी इस मामले में की जा चुकी है, लेकिन सवाल आप पर ये भी खड़े हो रहे हैं, आरोप लगातार लग रहे हैं कि आखिरकार आप मधुपुर से उठकर अचानक से सारण चले गए, क्यों? क्या केवल राजनीति ये वजह है या वाकई आप जनता के हित के लिए काम करना चाह रहे हैं? पहले तो मैडम विनम्रता के साथ कहेंगे, पानी में पप्पू, कोरोना में पप्पू, हर 1.5 महीने से लगातार हर वार्ड में पप्पू, कब्रिस्तान में पप्पू, शमशान में पप्पू, लोगों ने छोड़ दिया उसके पिता के भी पप्पू, ऑक्सीजन में पप्पू, सिलेंडर लेके पप्पू, मेरे रिसीवर लेके पप्पू। हम तो मरने की तैयारी में 1.5 महीने से घूम रहे हैं वार्ड ही वार्ड। जो अपने पिता को, माँ को, बहन को छोड़ देता है गांव में लाश ले जाने से डरता, वो राजनीति क्या करेगा? हमको क्या राजनीति आती है? दुनिया देख कि पप्पू यादव क्या कर रहा है। पप्पू यादव जब पूरा का पूरा नेता घर में है, पूरी सिस्टम सो चुकी है, पीठ झाड़ चुकी है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, सोलू नहीं है, विटामिन सी नहीं है, डेक्सोना नहीं है, मेरिडिसिवर नहीं है, ऑक्सीजन के चलते 70-60% लोग मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर भी पप्पू यादव पहुंचा रहे हैं, रात में लोगों को एडमिट भी पप्पू यादव करा रहे हैं, हर अस्पताल पप्पू यादव जाएंगे, एम्बुलेंस की लड़ाई, जब मरने लगे लोग पूर्णिया से 30,000, दरभंगा से 20,000, 40,000, पटना में 1 किलोमीटर पर 7,000 रुपया, 12,000 रुपया, पीएमसीएच में एम्बुलेंस माफिया गोली चला के मर्डर करने लगे, एक मौत हो गई,
और सारा निजी एम्बुलेंस वाले और प्राइवेट नर्सिंग होम के नेक्सस से सबने दल का झंडा लगा लिया और ये माफिया लोग एम्बुलेंस के मालिक बन बैठे। और जो सरकारी एम्बुलेंस है वो किसी बड़े ओएनजीसी एनजीओ का है, वो जो ज्यादा पैसा देता है उसको हम हायर कर लेते हैं। तो सवाल उठता है कि आप एक महीने के बाद 18 रुपया पर किलोमीटर तय करते हैं क्यों जी? आप जब आंध्रा की सरकार निजी नर्सिंग होम फ्री कर दिया, महाराष्ट्र की सरकार पूरे प्राइवेट होटल को फ्री कर दिया, राजस्थान दवाई फ्री कर दिया, तो हमारी सरकार क्या शमशान फ्री करेगी? सिर्फ शमशान में झंडे गाड़ेंगे ये लोग? ये रूढ़ी जी मेरे भाई हैं, मैं सम्मान करता हूँ, वो क्या बोलते हैं, मैं मधेपुरा में बिहार में अगले बार भी 14 करोड़ रुपया हर गरीबों के हाथ में अकाउंट मैंने पहले भी दिखा चुका हूं। तो ये सवाल नहीं है, आज सवाल है कि लोगों को कैसे बचाया जाए, एम्बुलेंस के चलते लोग मर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। सवा सालों से एक कार्यालय में 39-40 एम्बुलेंस लगे हुए थे, हमने उसको ट्वीट किया था, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मैं जाके गया तो हम देखे वो एम्बुलेंस लगी हुई है। पप्पू यादव को गोली मार देने से या एफआईआर से यदि लोगों की जान बच जाती है, वेंटिलेटर के लिए टेक्नीशियन मिल जाते हैं जो आप दिखा रहे हैं कि कैसे बंद है, कैसे खराब है, सिवान में आईसीयू रूम नहीं है, सिलेंडर में ऑक्सीजन के लिए पाइप नहीं है, पानी नहीं है पेशेंट को, वार्ड बॉय 8,000-6,000 रुपया लेके लास्ट निकालता है, भर्ती करता है। पप्पू जी ठीक, आप बने रहिए, आपके सवालों का जवाब सुनिए जी, मैं आपके सवालों का जवाब में ले लेती हूं। पहले एक सेकंड, ठीक एक सेकंड पहले सुन ले, ठीक है। वो एमपी लैब्स का एम्बुलेंस किसी कार्यालय में आपत्तिजनक है, नहीं लग सकता है, वो सिविल सर्जन तय करेंगे, वो सरकार का पैसा होता है, वो किसी वर्कर को नहीं मिल सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति करने के लिए सरकारी गाड़ी का यूज नहीं हो सकता है, फोटो नहीं लग सकते हैं, और सरकारी गाड़ी का पैसा सरकारी अकाउंट में जाएगा, 400 रुपया प्रत्येक दिन आम लोगों के जेब में नहीं जाएगा। और तीसरी चीज, सवा 1.5 सालों से वहां क्या कर रही है। चौथी चीज, ड्राइवर नहीं है। जब गडकरी जी ने वहां पर उद्घाटन किया, ये देख लीजिए, ये उद्घाटन किया प्रशिक्षण का स्किल के तहत, वो बंद हो गए ड्राइवर प्रशिक्षण इंडिया में, सुशील जी थे, रूडी जी थे, तब भी ड्राइवर नहीं है, आप होते कौन है एम्बुलेंस रखने वाले, ये जमीन किसका है, और इस जमीन पर 9 करोड़ रुपया के लागत से भवन क्यों बनी सरकार के पैसे से, निजी आप बांट दीजिएगा जनता का पैसा सारे एमपी को। ठीक है पप्पू जी, अब आपकी बात हमने सुन ली, अब आपके सवालों का जवाब भी तो ले लेते हैं। राम सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे जवाब ले लेते हैं। राम सागर जी, सवाल निशान तो आप पर बहुत से खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने पप्पू यादव को सुना और वो तो कह रहे हैं कि सरकारी जमीन सरकारी फंड का इस्तेमाल हुआ इस तरीके से भवन निर्माण करने में, इस तरीके से एम्बुलेंस को वहां पर खड़ा किया गया है बिना मतलब के, जब लोग तरस रहे हैं एम्बुलेंस के लिए उनके पास एम्बुलेंस नहीं है, आप कह रहे हैं कि आपके पास ड्राइवर नहीं है, लेकिन जब रूडी जी ने वाकई 2016 में एक संस्था शुरू की थी जहां पर ड्राइवर को ट्रेन करने का काम किया जाएगा, तो महज 5 सालों में उन्होंने कितने ड्राइवर्स को ट्रेन किया, और अब तक ये एम्बुलेंस इस तरीके से खड़े क्यों पड़ी हुई। वही दूसरा एक और ट्वीट पप्पू यादव ने किया था जिसमें एम्बुलेंस में बालू ढोते हुए देखा गया है, तो बालू का काम किया जा रहा है एम्बुलेंस के माध्यम से, कई आरोप आप पर भी है, क्या कहेंगे? बिहार की जनता जानती है और इनके ड्रामे को भी बिहार की जनता जानती है, ये ड्रामा कर करके पिछले बार भी बाढ़ के टाइम में भी ये ड्रामा किए थे, ये तो बेकार बिहार में है। जब चुनाव हुआ था तो इनको इनको जनता ने आईना दिखा दिया, दो दो जगह से चुनाव लड़े, इनका क्या परिणाम हुआ ये जानते हैं, इनको तो बिहार छोड़ करके अगर बॉम्बे में ये काम करे तो ज्यादा सक्सेस रहेंगे। और इनका एक ऑडियो वायरल हुआ था कि पैसा लेने का, तो ये जो इतना पैसा बांटते हैं ये कहां से पैसा आता है इसका भी ये हिसाब दें, और ये जा करके जगह जगह अव्यवस्था फैलाते हैं। इधर हाल के दिनों में एनएमसीएच गए थे और वहां के डॉक्टरों पर आरोप लगा करके वहां अव्यवस्था फैलाए, ये जहां भी जाते हैं अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं। और इनको जानना चाहिए
कि बिहार की जनता आपके इस ड्रामे को अच्छी तरीके से अगर इस बात का खुलासा किया जा रहा है तो वहां एम्बुलेंस खड़ी है, जबकि एम्बुलेंस की जरूरत है जमीनी स्तर पर, तो फिर एम्बुलेंस को उतारा क्यों नहीं जा रहा? वो तो कह रहे हैं कि मैं ड्राइवर देने को तैयार हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, जो वहाँ वामन एम्बुलेंस चल रहा है इसकी चर्चा ये कभी नहीं किए। हाँ, जो कुछ अभी भी देखेंगे इस कोरोना काल में बहुत सारे हॉस्पिटल के स्टाफ भी छोड़ देते हैं काम, हो सकता है एम्बुलेंस के स्टाफ भी छोड़े होंगे, और जो लोग ट्रेनिंग लिए होंगे वो आ रही हूँ पप्पू जी आपके पास आ रही हूँ, पहले इनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। अगर उनको अच्छा पैसा कहीं मिला होगा तो यहाँ से ट्रेनिंग ले करके ड्राइवरी का और अच्छे जगह में भी चले गए होंगे, ये तो और अच्छी बात है। नहीं, आरोप प्रत्यारोप आखिर कब तक चलेगा? जब जनता एक और मर गई, ठीक है, आपने इतने आरोप उन पर लगाए, उन्होंने आप पर आरोप लगाए, अब आपके सवालों का जवाब पप्पू यादव को देना चाहते हैं। पप्पू यादव जी आपकी बात रखिए। ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए तो तीन के बड़े लोगों से संबंध है, आपने सवाल खड़े किए तो जवाब भी तो सुन लीजिए। लगवाने का काम करें, मैं इनसे नम्र निवेदन करता हूँ कि अपने रसों का अपना जो इनका साख है उसका प्रयोग अभी ऑक्सीजन प्लांट लगवाने में बिहार को मदद करने में लगाए, अपने एनर्जी को इसमें ये यूज करें। ठीक है राम सागर जी, आप जवाब भी सुन लीजिए। राम सागर जी जवाब भी सुन लीजिए, आप बोल चुके हैं। ये दिल्ली में भी मरीजों को अच्छा सेवा देते हैं, ये भी मुझे पता है। ये बिहार में भी कंस्ट्रक्टिव काम करे, न कि जाकर के वहाँ अव्यवस्था फैलाने का काम करे। ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए जी। पप्पू यादव जी बोलिए। धन्यवाद, वो मेरे भाई है, मैं उस पर नहीं कुछ कहूंगा। मेरा सिर्फ आग्रह इस बात का है, मैंने कोई नहीं जानता था कि वो रूढ़ी जी का है, ये रूढ़ी जी के माँ के नाम से बना और स्किल डिपार्टमेंट के द्वारा 9 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। क्या जनता की पैसा सारे एमपी को घर बनाने दिया जा सकता है? एक दूसरी चीज, क्या सरकारी जो एम्बुलेंस है उसके पैसे निजी वर्कर के जेब में जाएंगे? दो तीसरी चीज, 1.25 साल से वहां था और ड्राइवर नहीं था, ये ट्वीट कर सकते थे, ये चिट्ठी एक दिन पहले या हमारे जाने के बाद दिखे, क्या किए वो आप देखें, आप जांच का विषय, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कल पत्रकार थे वहां, सभी लोग थे। मेरा कहना इतना ही है कि जब एम्बुलेंस के चलते लोग मर रहे हैं, एम्बुलेंस वाले तंग करते हैं, 30,000-40,000 रुपया लेता है, सरकार की जिम्मेदारी है, इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये ऑक्सीजन की बात जी, सभी लोगों ने देखा, फिर सरकार सजग हुई, लगभग 200 से ज्यादा सिलेंडर पटना के नागरिकों को मैंने, जहाँ पर घर में देने था, पिता को, भाई को, बहन को बचाने के लिए मैं दिया हूँ। जहाँ भी मेरी रिसीवर दवाई की जरूरत पड़ी मैं दिया हूँ। मैं सरकार को अव्यवस्थित करने नहीं, सरकार को जगाने, जो मौत होती थी NMCH में, PMCH में, निजी अस्पताल जिस तरीके से लगातार वेंटिलेटर के नाम पर, पैक के नाम पर, ऑक्सीजन के नाम पर लूट रहे, 50,000 रुपया बेड का, 50,000 दवाई का, 50,000 वैन का। तो पप्पू जी पहले सुन ले एक मिनट। तो मैं जब भी जहां गया मैं सरकार को कंप्लीट रूप से ये बताने की कोशिश की कि जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी क्या मिली नगर है, क्या मतलब राइट। पर ये कहा तो जा रहा है आपसे, तो सवाल पूछा जा रहा है कि मधुपुर से अचानक से सारण क्यों चले आए, क्या वो वजह? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है। जब मैं पटना में, मैं एक पार्टी का अध्यक्ष हूं और जिले के सभी अस्पताल में जा रहा हूं और वहां से ट्वीट आया और लगातार हर जिले में मेरी रिसीवर ऑक्सीजन और हर जिले के लोगों से मिल रहा हूं, और मोदी जी आगे बनारस, जॉर्ज आगे बिहार, शरद आगे बिहार, मधुबनी में बिहार, MJ अकबर बिहार, चंद्रशेखर जी बिहार, राजनीति संविधान में कोई रोक है, ये मेरा बिहार है, और माँ और मौसी में कोई फर्क है, छपरा मेरा घर है, मेरा खून है,
और मेरी जिम्मेदारी थी। नहीं, लेकिन राम सागर जी ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन सबने वो तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियां धूल फाक रही थी, और वही दूसरी तस्वीर भी देखी जब एम्बुलेंस में बालू ढोता हुआ देखा गया। वही बीजेपी बिहार की तरफ से ट्विटर पर एक और ट्वीट किया गया और ये लिख दिया गया पप्पू यादव के नाम पर कि ये जिस तरीके से भक्ति की जा रही है, ये भक्ति क्यों, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली भक्तिन बनने, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर कि जो लोग कंप्लीट रूप से, मैं बीजेपी के बारे में, देखिए किसी पार्टी के बारे में फालतू बात करना उचित नहीं है, ना मैं किसी व्यक्तिगत जाऊंगा। पानी में भी आपने देखा था कि एक डिप्टी सीएम कैसे घर छोड़ के भाग गए थे, उनके घर में खाना और किस तरह पहुंचाए थे, आप भी कर लेते, सबको कर लेना चाहिए। फिर अगले बार कोरोना में सब घर में सोए थे, 27 लाख मजदूर को पप्पू यादव 1,000-2,000 रुपया हाथ में पहुंचाया, ज्योति पासवान को 50,000 रुपया पहुंचाया, हर लोगों तक पहुंचे, घोटाले हुए। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल जिस कंट्री में ऑक्सीजन के चलते 60% लोग मर जाए, जिस कंट्री में डेक्सोना और विटामिन सी की दवाई ना मिले, जिस कंट्री में सिलेंडर ना हो, जिस कंट्री में बेड ना हो, वेंटिलेटर ना हो, वाईपैक नहीं हो, जो कंट्री में आदमी को आईसीयू रूम ना मिले, और रास्ते में कोई जवान बेटा, पत्नी, माँ, बच्चे गोद में दम तोड़ दे। सवाल आज वहां है कि सरकार पीठ क्यों जा रही है, हर एमपी कहां सोए हुए हैं? मेरा यहाँ है, मेरा रूडी जी से नहीं है, मेरा बीजेपी पार्टी से नहीं है, किसी से नहीं है, मैं राजनीति नहीं करूंगा। लाखों 5,000 से ऊपर लोग डेली मर रहे हैं शमशान में, एक दिनों में पट्टा में 350-400 लाशें जा रही है, डॉक्टर छूते नहीं है, रात भर नर्स जाती नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं होता जी, लैट्रिन और बाथरूम वार्ड में होते हैं, वार्ड बॉय 8,000 रुपया लेता है तब लाश निकालता है, 24 घंटे लाश पड़े रहते हैं, वहीं पर इलाज होता है, 72 घंटे शमशान में लाश होते हैं, मेहनता रहता है, माँ और बेटी वहां जाकर के इलाज कराती है। मेरा यहाँ सवाल है सिस्टम पर कि जल्लाद लोग क्यों बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स नहीं छूते हैं इसके लिए कि सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सही नहीं होता कि प्राइवेट में जाए, उनके अस्पताल में जाए जी। मेरी डीसी वर्ष 60-70 हजार 1 लाख में आईसीयू रूम नहीं है, बेड नहीं है दिल्ली में, मैं क्यों रूडी जी पर बोलूं? ये एमपी लैब सरकार का है, रूडी जी पप्पू यादव का नहीं है, 1.5 लाख का पैसा सरकार का है। राम सागर जी चाहेंगे आपसे 1.5 लाख आने जा रहा है। नहीं राम सागर जी पहले तो आप मुझे ये समझाइए कि उस ट्वीट का मतलब क्या था जो आप लोगों ने पप्पू यादव के नाम पर किया और ये लिखा था कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली भक्तिन बनने, तो इस ट्वीट का तात्पर्य क्या था, वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? अब इनका पुराना इतिहास इनका पीछा करते रहता है, ये काम अब सोने का भक्ति किसकी कर रहे हैं? भक्ति पे आइए ना, भक्ति किसकी कर रहे हैं? शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो शिकार करने के लिए हाथ में कंगन लेता है, तो अब ये कंगन लेकर के बैठे हैं, अब कंगन से शिकार करना चाहते हैं। ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ जगहों पर, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर इनसे निवेदन करूंगा कि जब अमेरिका जहाँ की 33 करोड़ है, 42 जो कंट्री है उसका स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गया इस महामारी में, इसमें भारत इस कंडीशन में है, यही बहुत बड़ी बात है। और अब भारत की सरकार और बिहार की सरकार मिल कर करके न आगे ऑक्सीजन की कमी होने देगी और न रेमडेसिविर का कमी होने देगी। अरे राम सागर जी कहाँ है आप क्या देख नहीं रहे हैं जमीन स्तर पर कि एम्बुलेंस की कितनी कालाबाजारी हो रही है और कितनी कमी है भारी मात्रा में? अब उसकी व्यवस्था कर दी जा रही है, अब ऑक्सीजन का भी हर बार बिहार में ऐसा क्यों देखा जाता है राम सागर जी कि जब अगर हाईकोर्ट फैसला लेती है वो जब हस्तक्षेप करती है तब लॉकडाउन लगता है, जब कोई वीडियो सामने रख देता है कि इस अस्पताल में कमी है, वेंटिलेटर्स यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ठप है, तब आप हमेशा वीडियो सामने आने का या फिर वहां से खबरें सामने आने का इंतजार क्यों करते हैं? विपक्षी दलों को मौका तो आप खुद दे रहे हैं सत्ता में बैठे हुए। मैडम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को कह दिया गया है कि सारे हॉस्पिटल में सारे जगहों पे 24 आवर्स बिजली रहेगा, 15 जिलों में, जिले के अनुमंडल में
15 ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू कर देगा। अभी काम शुरू हो गया, आज से लगना मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। दुनिया देख रहे, धन्यवाद। डीआरडीओ के साथ मिलकर पप्पू जी एक लास्ट कमेंट चाहेंगे आपसे। एसकेएमसीएच पीएमसीएच सारे जगहों पर प्लांट। पप्पू जी लास्ट कमेंट चाहेंगे आपसे, क्या कहेंगे? क्या वाकई आपको लगता है कि कमियां तो इनके तरफ से हर बार इनके सामने जब कोई प्रूफ रखा जाता है कि यहाँ पर कमियां है तभी ये काम करने के लिए सामने आते हैं? मद्रास के हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने भी लॉकडाउन के लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा जी? पटना हाईकोर्ट ने सेना के हवाले की बात की, बिल्कुल। इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए, 13 महीना के अंदर 6 ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा, 580 की बात कर रहे थे, बेड नहीं भरा पाया, सिलेंडर नहीं खरीद पाए, भेंट नहीं खरीद पाए। ये अमेरिका और यूरोप ने तो दूसरे फेज की बात कर लिया, इनके पास कुछ नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा, जनता जवाब देगी। मुझे क्षमा करिए, मैं इनके में नहीं पढ़ूंगा, ये बहादुर लोग हैं, मैं इसे बहुत कमजोर आदमी हूँ। ये कब कब ये क्या करेंगे कहना मुश्किल है। आप जांच का विषय है, इंक्वायरी हो, जमीन का मामला है, जमीन पर 9 करोड़ कैसे आ गए, वहाँ पर एम्बुलेंस क्यों लगी थी, सरकार जांच करे और कार्रवाई करे, मैं यही कहना चाहूंगा। चलिए ठीक, राम सागर जी अब बताइए कि क्या कहेंगे। वो तो खुद कह ही रहे हैं कि इस मामले में खुद ही जांच बिठाई जानी चाहिए और जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि क्यों हर बार ऐसा होता है जब तक आप लोगों के सामने कोई सबूत नहीं रखता कि यहाँ कमियां, यहाँ कमियां, यहाँ घोटालेबाजी हो रही है, तो हर बार ये क्यों देखने को मिलता है कि आप लोग की आंखें तभी खुलती हैं? बगैर सबूत का ही हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग के पास भी जानकारी आती है। एम्बुलेंस की बात है तो 8 एम्बुलेंस वाले से एक्शन लेकर के पैसा लौटवाया गया। जहां सरकार को कहीं पता चलता है कोई गड़बड़ी, उसको दुरुस्त किया जाता है। रेमडेसिविर की जहां तक बात है, अब 1.5 लाख वायल आएगा और रेमडेसिविर की भी कमी नहीं होगी, और ऑक्सीजन का भी जनरेशन किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था की जा रही है। जो कुछ कमी पहले रहा है, क्योंकि अचानक से ये महामारी है, उस महामारी में जब अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे लोग वहां की कंट्री नहीं थम पाई थी, उसमें हम इतना अच्छा मृत्यु दर को सबसे कम कर करके रखे। आप इतनी दूर ना जाइए ना, आप इस देश में रहिए, आप इस देश में रहिए, इतनी दूर मत जाइए। अभी फिलहाल हम बिहार की बात करें कि अगर बिहार में इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही, चाहे पीएमसीएच अस्पताल की हम बात करते हैं, जननायक अस्पताल की बात कर रहे हैं, वहां तो 18 घंटे बिजली ठप थी। पीएमसीएच में गंदगी भी आपके सामने रखी गई, ऑक्सीजन प्लांट्स की किस तरीके से कमी की वजह से कितने लोगों की जाने गई है, हमने वो खबरें भी दिखाई। उस वक्त आप कहां थे? जब अब इस तरीके की खबरें सामने आ रही तो आप उनका पक्ष लेने के लिए सामने आ जाते हैं? नहीं, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं सही बात बता रहा हूँ। मैं किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सही बात की जानकारी बिहार की जनता और देश की जनता को देना चाहता हूँ कि अन्य अन्य जगहों पर क्या हुआ, और अभी भी संक्रमित जितने लोग होते हैं उससे ज्यादा रिकवरी हो रहा है बिहार में भी, और अभी भी हिंदुस्तान में मृत्यु दर बिहार का भी काफी कम है। एक तो पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का ही मृत्यु दर कम है और उसमें बिहार में भी काफी कम है। हमारे और अन्य जगहों की अपेक्षा अच्छी व्यवस्था बिहार में कराई जा रही है, उस व्यवस्था में व्यवधान डालने का कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। टीकाकरण में ये लोग सहयोग करें, टीकाकरण के विषय में ये लोग टीका के बारे में ही गलत पंडित फैलाए लोगों, राम सागर जी टीकाकरण को बाधित करने का। राम सागर जी, शायद आपको एक बार फिर से खबरों को ठीक से देखने की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि रिकवरी रेट ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बता दूं आए दिन मरीजों की संख्या में इजाफे की खबरें हम रोज पढ़ते हैं और रोज दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कमियां रोज हम गिना रहे हैं कि किस तरीके से कमियां जाहिर हो रही है, लेकिन सवाल यह बनता है कि जब सत्ता पक्ष में बैठी हुई जो सरकारें, उनकी नींद आखिर खबरें चलाने के बाद ही हमेशा क्यों खुलती है? वो अपने तरफ से जमीनी स्तर पर उतर करके काम क्यों नहीं करते? जनता हमेशा जब तक परेशान ना हो, जब तक कुछ आधा दर्जन, एक दर्जन कुछ लोग मर ना जाए, आप लोग की नींद टूटती क्यों नहीं है? मैडम, पहले का जो स्ट्रेंथ था, एक आदमी 4 आदमी को इन्फेक्ट करता था, अब एक एक आदमी 20 से 50 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। सीधे पहले परिवार में एक लोग होते थे, आइसोलेट होते थे और वो परिवार बचता था, अब परिवार का तो 10 का परिवार है तो 6-7 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, संख्या अचानक से काफी बढ़ा है। तो उसमें भी तो गलती नहीं थी सरकार की, है ना? उन्होंने वक्त रहते लॉकडाउन नहीं लगाया, उसमें भी हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। खैर,
बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीआईपी न्यूज के साथ अपनी बात रखने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये थी आज की बहस, आपने भी सुना कि किस तरीके से जब दोनों तरफ की हमने बातें सुनी, पप्पू यादव ने अपनी बातें रखी हैं, और वहीं क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं, वो लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि पप्पू यादव राजनीति करने के लिए मधुपुर से सारण पहुंच गए। वहीं पप्पू यादव का ये कहना है कि मैं केवल जनता के हित में काम कर रहा हूं, अगर एम्बुलेंस यहां पर खड़ी पड़ी है और उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कालाबाजारी रुकनी चाहिए, खुद राज्य सरकार को जमीनी स्तर पर उतर करके काम करना चाहिए, तो बाकी ये गंभीर और सोचने वाली बात है। फिलहाल इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।